हाथरस पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अंतर जनपदीय 3 शातिर वाहन चोरों के गिरोह को किया गिरफ्तार। पुलिस को चोरों के गिरोह के पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 छुरा व चोरी की हुई 6 मोटरसाइकिल हुई बरामद। हाथरस पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद्य के आदेश अनुसार पुलिस संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की कर रही थी चेकिंग। तभी चेकिंग के दौरान मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर सासनी पुलिस ने तीनों शातिर वाहन चोरों को सासनी के नानो रोड पर किया गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में तीनों शातिर वाहन चोरों ने बताया कि अस्पताल, बैंक व भीड़भाड़ वाले स्थान पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से करते थे मोटरसाइकिल की चोरी। शातिर वाहनों को गिरफ्तार करने वाली टीम ने सासनी कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह राघव, एसआई सतीश कुमार सिंह, एसआई राजेश कुमार यादव, एसआई संजय भदौरिया, कांस्टेबल अमित कुमार, नेमेश कुमार, रिंकू राजौरा रहे मौजूद। साथ ही से दंडन समाचार के लिए हिमांशु कुशवा की रिपोर्ट। जनपद हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 3 साथी चोर गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से पूछताछ में 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। साथी ये बहुत साथी रहे, इनसे तमंचा भी बरामद हुआ है। ये सभी थाना क्षेत्र शासन पर रहने वाले हैं और जगह जगह उन्होंने मोटरसाइकिलें चोरी की है। इस संबंध में थाना पर अभियोग पंजीकृत करके और उनको जेल भेजा जा रहा है।